हैरी पॉटर सीरीज में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिन्हें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से बनाया गया है, जैसे कि प्रैक्टिकल फ्लाइंग ब्रूमस्टिक्स, खतरनाक रिमोट कंट्रोल पेड़ और एक एनिमेट्रॉनिक सांप जो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता लेकिन फिर भी इसने काम कर दिया। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब विजर्ड चेस का इंटेंस गेम जिसे हैरी, रोन और हरमाइनी को पार करना था ताकि वो सोर्सरर स्टोन तक पहुंच सके, इस सीन में बहुत कुछ दांव पर लगा था। इस मूवी का प्रोडक्शन डिजाइनर स्टुअर्ट क्रेग ने असल में इस चेस को बनाया था, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। उन्होंने इस चेस पीसेस को इधर से उधर मूव किया था रेडियो कंट्रोल मैकेनिज्म की मदद से, और जो हॉर्स एक्सप्लोड हुआ था जिसके ऊपर रोन बैठा हुआ था उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर डिवाइस था। अब हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में वो डेंजरस पेड़ जिसने रोन के फ्लाइंग कार के ऊपर हमला कर दिया था, इस पेड़ को असल में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। वो पेड़ असल में एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था जिसको कंट्रोल करते हैं उनके स्पेशल इफेक्ट्स टीम और वो इसके मूवमेंट को सिमुलेट करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि कास्ट्स को इन सीन्स फिल्मिंग करने में कितना डर लगा होगा। अब बात करते हैं उस जायंट सरपेंट के बारे में जिसके साथ हैरी ने लड़ाई किया था चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में। इसको एनिमेट्रॉनिक और प्यूपर्टी के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। पहले उन्होंने एक लाइफ साइज मॉडल को सेट में बनाया जिसके मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को पूरी टीम मिलकर कंट्रोल करती है, और फिर उन्होंने इसको एक ट्रैक सिस्टम पर बैठाया था ताकि वो सेट में मूव कर सके और एक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सके। उन्होंने सेपरेट शॉट्स के लिए इसका अलग अलग सिर भी बनाया था। इस मॉडल के लिए उन्होंने स्नेक फार्म से रियल स्नेक स्किन मंगाया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसको एनहांस करने के लिए थोड़ा सीजीआई का भी इस्तेमाल किया था और पोस्ट प्रोडक्शन में मूवमेंट और टेक्सचर से फाइनलाइज किया था। अब वो ट्रिपल डेकर बस जिसने हैरी को लीकी कॉड्रॉन में पहुंचाया था प्रिजन ऑफ एस्काबान में, ये एक ऐसी चीज थी जिसे असल में चलाया गया था। इसको एक रियल लंदन रॉक मास्टर बस का इस्तेमाल करके बनाया गया था जिसको उन्होंने बाद में फिल्म के लिए मॉडिफाई और पर्पल पेंट किया था। अब वो हिपोग्रिफ जिसका सामना हैरी और हैग्रिड ने किया था, इसको भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उन्होंने एक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक बनाया था ताकि ये एक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सके और ताकि जब ये मूव करे तो एकदम रियल लगे। और ऐसे फ्लाइंग सीक्वेंस के लिए जब बकपिक उड़ता है उन्होंने एक बड़ा सा पपेट बनाया था जिसको उन्होंने क्रेन में लगाया था और टीम ने इसको ऑपरेट किया था जिसके वजह से एक्टर ठीक से इंटरेक्ट कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने उस पपेट पर फेदर्स भी लगाया था ताकि ये और भी रियलिस्टिक लगे। अब वो मैजिकल ऑब्जेक्ट जो ट्राई विजार्ड चैंपियंस को सेलेक्ट करता है उसको एक पर्टिकुलर चीज से बनाया गया था जो आग की लपटें छोड़ती हैं। इसको मेटल और फाइबर ग्लास के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था और एक्सटेंसिव सेफ्टी प्रिकॉशंस रखा था एक्टर्स के लिए ताकि एक्टर्स को इन सीन्स में कोई भी खतरा न हो। अब वो रूम जो पहले हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में दिखाया गया था वो एक पर्टिकुलर सेट था जो फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मूविंग वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल करते थे उनकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम ताकि वो इल्यूशंस क्रिएट कर सके और बाद में करैक्टर के जरूरत के हिसाब से रूम को चेंज कर सके। अब वो जायंट सरपेंट जो वोल्डेमॉर्ट का था डेथली हेलोस पार्ट 1 में, इसको प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उन्होंने एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक मॉडल तैयार किया था और उनके पपेटियर्स के टीम ने इसको कंट्रोल किया था, और पोस्ट प्रोडक्शन में उन्होंने सांप के मूवमेंट को सीजीआई में बदल दिया जिसके वजह से प्रोडक्शन टीम ने सांप का बिहेवियर को एकदम रियल तरीके से दिखाया। अब हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन के क्विडिच सीन्स में एक्टर्स असल में हार्नेस से बंधे हुए थे और ब्रूमस्टिक से इधर उधर उड़ रहे थे ताकि वो इल्यूशंस क्रिएट कर सके। वहाँ एक रिगिंग सिस्टम था और उनको काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना पड़ा ताकि वो ये स्टंट ठीक से परफॉर्म कर सके। ऐसा देखने में लगता है कि ब्रूमस्टिक से उड़ना काफी मजेदार है, लेकिन एक्टर्स ने काफी बार कंप्लेंट किया है क्योंकि पूरे दिन ब्रूमस्टिक्स पर बैठे रहना काफी अनकंफर्टेबल है। अब हमें जरा भी बुरा नहीं लगा जब हैरी ने नो मैजिक आउटसाइड हॉगवर्ट्स का रूल तोड़ा था क्योंकि उसने अपनी रूड आंट को बलून की तरह हवा में उड़ा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीन सीजीआई नहीं था? पाम फेरिस जो आंट मार्च का रोल प्ले करती है वो असल में 4 अलग अलग मेकअप स्टेजेस से गुजरी थी और उन्होंने बॉडी सूट पहना हुआ था जिसमें हवा भरी हुई थी। उनकी हाथों और पांवों को अलग से फुलाया गया था, उनको वायर से उठाया गया था और उनके मूवमेंट्स रिग से कंट्रोल किया जा रहा था। अब हालांकि सीजीआई मॉडर्न फिल्म मेकिंग के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन इन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ने स्टोरी की फिजिकल रियलिटी और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को दिखाने में बहुत हेल्प की है। हैरी पॉटर का दुनिया बनाना उनके लिए सच में बहुत ही मुश्किल रहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आंट मार्च का ये सीन सीजीआई नहीं था और विजार्ड चेस इतना जानलेवा था। इनमें से कौन सा वाला आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।